जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को मैरी मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो क्रिसमस एंजॉय करिए। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैं बनाऊंगी कलरफुल केक। तो केक तो बनता है, क्रिसमस है, तो अपने बच्चों के लिए फटाफट 10 मिनट में बनाए कलरफुल केक, वो भी कुकर या कढ़ाई में। तो चलो कुकर में बनाना स्टार्ट करते हैं कलरफुल केक। बहुत ही इजी है दोस्तों, 10 मिनट में फटाफट आप बनाइए, अपने बच्चों के साथ क्रिसमस एंजॉय कीजिए। जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं केक, और हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। केक बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले ले लेना है एक बाउल। इसके बाद मैं बाउल में डालूंगी एक बड़ा कटोरी मैदा, लगभग 150 ग्राम मैदा है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई चीनी, चाहे तो आप मार्केट का पिसी हुई चीनी ले सकते हैं पाउडर, शुगर पाउडर, या तो आप ग्राइंड जार में चीनी को डालिए और ग्राइंड जार में पीस लीजिए, पाउडर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें एक कटोरी रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा कम है, रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाले दोस्तों, क्योंकि मॉइस्चराइजर बना रहेगा, आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंची तैयार होगा। इसकी जगह आप बटर भी डाल सकते हैं रिफाइंड ऑयल की जगह। इसके बाद मैंने ले लिया है एक बड़ा गिलास दूध, आप दूध की जगह नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं एक बैटर तैयार करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा दूध या पानी जो भी आप डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हुए बैटर तैयार करें। तो देख सकते हैं इस तरह का बैटर मैंने बना लिया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी वेनेला एसेंस, क्योंकि मैं वेनेला फ्लेवर में बना रही हूँ। आप जो भी फ्लेवर में बना रहे हैं दोस्तों, उस फ्लेवर का एसिड डाल लीजिए। तो मैंने 3 से 4 बूंद डाला है वेनेला एसेंस, फेंट लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद भी अच्छे से फेंट लेना है, और एक ही पोजिशन में फेंटे, ज़्यादा टाइम इसे घोल बना के ना रखें, फटाफट करके आप केक के लिए तैयार करें। तो बैटर तैयार हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह का ही बैटर हमें चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हम कलरफुल केक बनाने वाले हैं, तो जो कटोरी में हमने ऑयल मैदा चीनी लिया था, उसी में हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल लेंगे अलग अलग कटोरी में। चाहे तो आप वाइट कलर का ही बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट तब भी रहेगा। कलर फूड डालने से, फ्लेवर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्लेवर डालने से फ़र्क पड़ता है, फूड कलर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस देखने में अच्छा लगता है। तो ये मैंने ले लिया है ग्रीन कलर का फूड कलर, एक कटोरी में मैं डालूंगी ग्रीन कलर का फूड कलर। थोड़ा सा चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। दूसरे में मैं ऐड करूँगी पिंक कलर का, तीसरे में मैं डालूंगी ऑरेंज कलर का दोस्तों। फूड कलर आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है 10 रुपए में। तो अच्छे से फेंट लेना है बैटर को। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है बैटर में, और थोड़ा सा हमने वाइट कलर का ही बैटर रखा है दोस्तों, ये देख सकते हैं थोड़ा सा हमने बचा लिया है। तो 4 रंग का हो गया है कलर। इसके बाद मैंने लिया एक कंटेनर, इसमें मैंने बटर पेपर लगा के, अच्छे से घी लगा के या ऑयल लगा के आप ग्रीस कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं डालूंगी वाइट कलर का बैटर, थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा मैं बचा के रखूंगी। इसके बाद डालूंगी मैं पिंक कलर का, देखते ही देखते देखना इसका
लुक ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। आपको ज़्यादा डेकोरेट या तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन कलर का। चाहे तो आप 15 अगस्त 26 जनवरी में कलरफुल केक बना सकते हैं, बहुत ही इजली है दोस्तों, इजी बनाना, सॉरी। इसके बाद मैं थोड़ा सा वाइट कलर का और डालूंगी। आप जो भी कलर का बनाना पसंद करते हैं वो कलर फूड कलर डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी ऑरेंज कलर। तो ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा डैप कर लूंगी। अरे मैंने ले लिया है दांत साफ करने वाला। इससे हमें इस तरह कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डिजाइन नहीं करेंगे ऐसे थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मकड़ी का झाला तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने ये ले लिया है खरबूजे का बीज। तो खरबूजे के बीज को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, बहुत ही इसका टेस्ट बढ़िया आता है। इसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ बादाम भी डाल लेना है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए ड्राई फ्रूट। इधर मैंने कुकर चढ़ा लिया है। कुकर में मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस एक स्टैंड डाला है, गर्म है दोस्तों इसीलिए आराम से डाल रही हूँ। इसके बाद कुकर का ढक्कन निकाल लेना है। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देना है धीमी आंच पे। तो दोस्तों लगभग पौना घंटा हो चुका है तो मैं चेक कर रही हूँ। थोड़ा सा कुकर मैंने ठंडा कर लिया है। इसके बाद मैं एक चाकू डाल के चेक करूँगी हमारा केक पका है कि नहीं। अगर इस तरह केक एकदम क्लीन आ रहा है, सॉरी चाकू क्लीन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है। अब मैं केक को बाहर निकालूंगी कुकर में से। तो ये देख सकते हैं कितना स्पंजी तैयार हुआ है केक। इसके बाद चाकू की मदद से इस तरह चारों तरफ कर लेना है ताकि आपको केक निकालने में आसानी होगी। अब लेना है एक प्लेट और प्लेट में पलटी कर लेना है। ठंडा होने के नाते आपका केक आराम से निकल जाएगा। और ये जो बटर पेपर है इसे आराम से निकाल लेना है, ध्यान से चिपका ना रहे केक में, नहीं तो पेट में जाके गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद मैं केक को सीधा कर लूँगी। तो चाहे आप ऐसे ही केक को इंजॉय कर सकते हैं या तो ऊपर से काट लीजिए जो आपका थोड़ा सा रूखा रूखा लग रहा है, ड्राई लग रहा है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा काट लूँगी दोस्तों। चाहे तो आप इसके ऊपर से चॉकलेट, लिक्विड वाला चॉकलेट या कुछ भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, या क्रीम वगैरह। मैं ये थोड़ा सा बचा था मेरा खरबूजे का बीज, तो मैं थोड़ा सा इसे गार्निश कर लूँगी। तो केक तैयार हो चुका है दोस्तों। तो मैं कट करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है। तो इसी तरह आप भी केक बनाइए, स्पंजी कलरफुल केक। तो उम्मीद है दोस्तों आज का केक आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, आप लोग भूल जाते हैं।